हे व्हाट्सअप एवरीवन एंड वेलकम टू नल एक्सेप्शन। तो गाइज आज हमारे पास ये इवोल्यूशन एक्स की रोम, तो इसको यहाँ पर मैं देखने वाला हूँ और मैं थोड़ा सा इसे पिक्सल एक्सपीरियंस से भी कंपेयर करूँगा कि दोनों में से कौन बेटर रहेगा। अगर इवोल्यूशन एक्स का अगर नया अपडेट आता है तो मैं उसे पिक्सल एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर कंपेयर करने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने इसके इस परफॉर्मेंस स्कोर वगैरह हमने ले लिए हैं, गीक बेंच मार्क स्कोर, तो देखेंगे कि पिक्सल एक्सपीरियंस से कम है या नहीं और बैटरी वगैरह कंपेयर कर लेते हैं। तो खैर वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। सो लेट्स बिगेन। सामने से कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और ये जो वॉलपेपर देख रहे हो ये आपको इसमें इवोल्यूशन के कुछ वॉलपेपर्स हैं, वहाँ से चेंज कर लेंगे। और यहाँ पर कुछ मैं जो डिफ़ॉल्ट आता है वो ब्लैक होता है, नीचे कहीं होगा वो ब्लैक वाला होता है जो डिफ़ॉल्ट आता है। एनीवेज तो यहाँ पर हम चलते हैं सीधा अबाउट फ़ोन में कि हमें क्या क्या देखने को मिल जाएगा, कर्नल वर्जन वगैरह वगैरह। ओके, तो एंड्रॉयड 13 हमें देखने को मिलेगा और 7.6.2 का वर्जन है ये, और फेबररी का सिक्योरिटी पैच मिलेगा इसमें, और अब तो अप्रैल भी आ गया। एनीवेज क्योंकि ये काफ़ी पुरानी, मतलब पुरानी सी हो गई है, मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लगभग हो गए होंगे 10 दिन या फिर जितना मैंने वो लास्ट वीडियो डाला था उसके अगले दिन से ही मैंने इसको यूज़ करना चालू कर दिया था, तो बस उतने ही दिन हुए हैं इस वीडियो को, मतलब इस रोम को। ओके, तो यहाँ बिल्ड डेट भी देख सकते हैं ना, 6 मार्च का बिल्ड है ये, तो मतलब मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ यार इसको, 1 महीना हो जाएगा मेरे को 1 हफ्ते बाद। ओके, तो यहाँ पर सिक्योरिटी पैच हमें देख लिया, कर्नल कोई कस्टम है मेरे को नहीं पता। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि हमारा डिवाइस जो है सर्टिफाइड है या नहीं। ओके, देख लेते हैं। ओके, डिवाइस इज सर्टिफाइड और यहाँ पर आप पेमेंट ऐप्स वगैरह यूज़ कर पाओगे, आई होप कोई दिक्कत आने नहीं वाली है और पेमेंट ऐप्स आप यूज़ कर पाओगे। ओके, यहाँ पर अगर हम सेटिंग्स में चलते हैं तो वही इवोल्यूशन की ओल्ड स्कूल वाली आपको कस्टमाइजेशन मिलेगी, वही पुरानी कस्टमाइजेशन है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं, आई थिंक ये ऊपर शायद ये नीचे होता था, ये ऊपर आ गया, अब मेरे को याद नहीं आ रहा। थीम्स वगैरह में वही आपके थीम्स हैं, मतलब जो पिक्सल एक्सपीरियंस में होता है वही है। और मैंने किसी रूम में देखा था, अभी शायद पिक्सल एक्सपीरियंस थी या फिर उससे पहली थी, सीआर ड्रॉइड थी, मेरे को ये याद नहीं आ रहा, उसमें ये जो सिग्नल के लेआउट थे वो सिर्फ एक ही थे, इसमें बहुत सारे हैं भाई, कुछ कस्टम हैं। ये देखिए बटरफ्लाइज वगैरह, कोई वैसे इनको यूज़ करने नहीं वाला है, कि सर्कल वगैरह तो चल भी जाएगा यार एक बार को। ओके हाँ, एक बार को ये काफ़ी अच्छा लग रहा, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बटरफ्लाई और ये इन सबको कोई यूज़ करने वाला है। ओके, तो कुछ फॉन्ट्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे और नवबा स्टाइल्स में। ओके, ये यहाँ पर ये भी पहले आया करते थे सी आर ड्रॉइड में, मैंने देखे हैं एंड्रॉइड 11 में, 12 में, सॉरी 12 में मैंने देखे हुए हैं ये। ओके, यहाँ पर अब चलते हैं, आइकन पैक्स वगैरह हैं वही सिंपल काफ़ी ज़्यादा हैं, और ये क्विक सेटिंग्स वगैरह आपको गेस्चर्स वगैरह मिल जाएंगे, आई होप ये सब वर्क करने वाले हैं। और यहाँ पर अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो आज मैंने इसको दोबारा जो है 100% कर दिया था, और यहाँ पर बैटरी हम देखते हैं सुबह किया था और 50% जो है जा चुकी है, लेकिन मैंने जो है यूट्यूब चलाया है उसमें और इंस्टाग्राम काफ़ी चलाया है बस, तो 4000 नहीं, 4 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम है, जो कि इसमें 13% इसने स्क्रीन ऑन टाइम ले लिया बैटरी, और 2 घंटे जो है मतलब लगभग 3 घंटे हो गया, 3 घंटे यूट्यूब चलाया और स्पीकर पे चले, मतलब ब्लूटूथ वगैरह मतलब ईयरफोन्स पे नहीं थे, स्पीकर पे चल रहे थे फुल वॉल्यूम पर, और इंस्टाग्राम भी वैसे ही चल रहा था, और ये 15 मिनट इसमें लिए। और ये देखिए मतलब बैटरी फिर भी लगभग ठीक ठाक लगी, और ये डिवाइस भी अब काफ़ी पुराना हो चुका है, तो थोड़ा सा हमें अगर बैटरी ड्रेन भी मिल रहा होगा तो उसे नेगलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि डिवाइस काफ़ी पुराना है ये, फिर भी स्क्रीन ऑन टाइम काफ़ी अच्छा दे दिया इसने, और अभी तो खैर चलने वाला है, मतलब अगर मैं 6 घंटे यूट्यूब चलाऊंगा मतलब 7 घंटे चल सकता है, तो ठीक है यार। और मैं फुल ब्राइटनेस पे चला रहा था भाई, एकदम फुल ब्राइटनेस पे चला रहा था और फुल वॉल्यूम भी थी, एकदम मस्त देख रहा था मैं इसमें यूट्यूब, और इंस्टाग्राम भी ऐसे चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम मस्त चल रहा था। ओके, अगर मैं यहाँ पर स्कोर की बात करता हूँ तो अब मैं आपको स्कोर दिखा देता हूँ, तो ये जो हमारा स्कोर है ये है पिक्सल एक्सपीरियंस का, और यहाँ पर मैं आपको इसका दिखा देता हूँ, तो ये वाला स्कोर है, ये है अभी इवोल्यूशन एक्स का जो हम यूज़ कर रहे हैं, तो इतना फ़र्क है, तो इसमें एक का ही है और इसमें तो खैर बहुत ही ज़्यादा है,
देखिए इसमें 1385 है और इसमें आपको 1272, मतलब करीब करीब 100 से ऊपर का फ़र्क है। फिर भी ठीक है, तो ये रूम मेरे को काफ़ी फिर भी ठीक लग रही है, पिक्सल एक्सपीरियंस के मुकाबले ही ऑलमोस्ट ठीक ठाक ही लग रही है, स्मूथनेस वगैरह। लेकिन इसमें एक चीज़ है, अगर मैं इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ ना, तो थोड़ा सा हैंग वगैरह, मतलब हैंग नहीं यार, मतलब थोड़ा सा फ्रीज़ हो जाएगा, थोड़ा टक टक के चलेगा ऐसे तकरीबन 15-20 सेकेंड, फिर उसके बाद ठीक हो जाएगा। और एक इशू इसके कैमरे में दिखाता हूँ, मैंने पिक्सल एक्सपीरियंस में चेक नहीं किया, और मैंने क्योंकि अभी पुराने रूम के स्कोर का जो है फ़ोटो लिया ना, उसकी वजह से मेरे को पता चला। जैसे मैं अगर मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ, देखिए अगर मैं इसकी फ़ोटो ले लेता हूँ तो मैं इसको यहाँ से देख नहीं सकता, मैं इसमें टैप कर रहा हूँ तो ये फ़ोटो ना आ नहीं रही, ठीक है। मैं इसको टैप कर रहा हूँ, ये फ़ोटो मतलब मेरे को नहीं दे रहा, ठीक है, तो ये फ़ोटोज़ नहीं देखने दे रहा मेरे को, सीधा गैलरी वगैरह फाइल मैनेजर से देखनी पड़ेगी। तो ये एक इशू है इस रूम में, और बाकी तो नहीं मिला। चार्जिंग तो मैं नहीं बता सकता आपको कि कैसी है, क्योंकि मेरे पास वू की केबल नहीं है, और वू की केबल से ही फास्ट चार्ज होता है, बाकी तो स्लो ही रहता है। तो चार्जिंग वगैरह की मैं आपको नहीं बता सकता, और फेस अनलॉक भी नहीं बता सकता, मेरा कैमरा ख़राब है एक्चुअली में। वैसे मैंने डिस्प्ले ठीक कराई है, लेकिन फिर भी कैमरा ठीक नहीं हुआ, उसमें हल्की सी डस्ट फिर भी रह गई है, तो मैं कैमरा वगैरह नहीं बता सकता। फिंगरप्रिंट एकदम एक्यूरेट काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती फिंगरप्रिंट में, एकदम ईजीली जो है एकदम क्विकली वर्क कर देता है फिंगरप्रिंट में कोई भी इशू नहीं है, फ़ोन एकदम स्मूथ चल रहा है। लेकिन अगर मैं दूसरे चार्जर से चार्ज करता हूँ, जैसे मेरे एक बार सीआर ड्रॉइड उसी चार्जर से चार्ज कर रहा था, हमेशा करता हूँ, तो मेरा फ़ोन हीट हुआ था। लेकिन इसमें अगर मैं ओवर चार्जिंग भी हो गई थी ना मेरे से, तो भी फ़ोन हीट नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम बढ़िया चल रहा था, मतलब बढ़िया क्या चल रहा था, बिल्कुल हीट नहीं हुआ, एकदम ठंडा ही पड़ा था। तो बस यही था इस वीडियो में, अगर कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट सेक्शन पे कभी कभी हेल्प नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं बता नहीं पाता कुछ, कभी लिंक्स वगैरह सेंड करने पड़ते हैं, तो टेलीग्राम में ऑलरेडी वहाँ पर लिंक मेंशन हो रखे हैं नोट्स में, तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।